उत्तरी दिल्ली का इंदरलोक इलाका एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास पिछले कई वर्षों से यहां पर कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया जाता है। हालांकि इस वक्त हम इंदरलोक के पास ही मौजूद है। पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये सामने इंदरलोक का मेट्रो स्टेशन है और इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के सामने बिल्कुल ये जो सड़क है, इधर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष की अगर हम बात करें, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर शिविर लगाने की जो अनुमति है वो फिलहाल इस वर्ष नहीं दी गई है। दरअसल प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जो इंदरलोक से शास्त्री नगर जाने वाली जो ये सड़क है, जहाँ पर पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर शिविर लगाने की जो अनुमति है वो दी गई है। हालांकि इस पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो शिविर लगता है, जिससे कि आने जाने में जो तमाम समस्याओं का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ सकता है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। लेकिन यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर पिछले लगभग 22 से 25 वर्षों से यहाँ पर ये जो शिविर है वो लगाया जा रहा था। हालांकि इस वर्ष यही देखा जा रहा है कि शिविर लगाने की जो अनुमति है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा आयोजकों को नहीं दी गई है, जिसके बाद से ये जो शिविर है वो आगे शास्त्री नगर जाने वाली साइड पर जो पेट्रोल पंप है उसके पास ये लगाया जा रहा है। फिलहाल इस पर आयोजकों से जो प्रशासन की बातचीत हुई तो प्रशासन भी इस पर अपनी सहमति दिखाता हुआ नज़र आया। उन्होंने भी यहाँ पर जो ये बम्बू है वो रखे हुए थे, हालांकि अब यहाँ से ये जो बम्बू है और टेंट है वो यहाँ से सीधा अब पेट्रोल पंप पर जो अनुमति दी गई है कि पेट्रोल पंप के पास आप शिविर लगा सकते हैं, वहीं पर ये अब रखे जा रहे हैं। और अब इस वर्ष जो पिछले कई वर्षों से इंदरलोक के पास जो ये शिविर लगाया जा रहा था, अब इस वर्ष जो ये शिविर है वो लगभग यहाँ से इंदरलोक से करीब 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, उधर ये शिविर इस वर्ष लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।